हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहिल ब्लॉग्स। और आज मेरे पास है रियलमी नार्जो 20A और रियलमी 6। मैं कोई अनबॉक्सिंग या कोई इनका रिव्यू नहीं करने वाला हूँ या इनको कोई कंपेयर नहीं करने वाला हूँ। मैंने दोस्तों ये दोनों फ़ोन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे, तो जो मेरे साथ इस बार मैंने फ्लिपकार्ट के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो मेरे साथ हुआ इन फ़ोन्स को मैंने मंगाने के बाद, जो डिलीवरी के बाद, जो डिलीवरी पे के टाइम जो मेरे साथ हुआ, वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो दोस्तों, अभी पिछले कुछ दिनों में आपको पता है कि फ्लिपकार्ट पे फेस्टिवल सेल और बिग बिलियन डे सेल आई थी, तो उसी दौरान मैंने 16 अक्टूबर को नार्जो 20A अपना ऑर्डर किया। और फिर दोस्तों 23 अक्टूबर को जब मेरे पास ये फ़ोन डिलीवरी बॉय लेके आया, तो मैंने उसे अपना पुराना फ़ोन दिया। और पीछे जैसे दोस्तों वाइट कवर में रखने से वाइट वाइट उस पर मतलब स्पॉट सा या मतलब दाने दाने से या उसका कलर सा हट जाता है थोड़ा, तो वैसा उस मेरे पुराने फ़ोन पे था। तो उसने मुझे दोस्तों कहा कि आप पे इस पे जो है ये डेंट है और ये कलर मतलब पेंट उतरा हुआ है, तो आपको इसका मेरे को कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो उसने बोला कि दोस्तों आप अपना फ्लिपकार्ट ऐप ओपन करें और माय ऑर्डर पे जाके आप उस पे चेक करें कि डिलीवरी टाइम पे जो चेक लिस्ट या चेक टाइम जो होता है उस पे क्लिक करके आप मेरे को बताएं कि इस पे कितना उसमें लिखा हुआ है डेंट का और उसका कितना पैसा और आपने एक्स्ट्रा देना है। तो दोस्तों उसके बाद मैंने अपना ऐप खोला, माय ऑर्डर पे गया और चेक लिस्ट या चेक उस पे जो बोलते हैं उस पे मैंने चेक किया कि डेंट का और उसका कितना रुपया था। तो उस पे मेरे को वो पुराना फ़ोन 2050 का था और डेंट और या फिर डैमेज का जो उसमें एक्स्ट्रा चार्ज था वो 500 रुपये उसमें मेरे को दिखा रहा था। तो मेरे पुराने फ़ोन की जो वैल्यू थी वो 2050 से कम होकर 1550 आ गई। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, मैंने 500 रुपये और उसको दे दिए। तो फिर ना तो उस 500 रुपये का मेरे पास कोई मैसेज आया और फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ होगा तो इनवॉइस जो बाद में फ्लिपकार्ट मेल करके हमें देते हैं उसमें वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन 2 दिन बाद या 1 दिन बाद जब उसका मेल मुझे आया, जिस इनवॉइस का मेल मुझे आया, तो उसमें भी मेरे को जो मेरे फ़ोन की वैल्यू थी, जो मैंने एक्सचेंज मतलब ऑर्डर के टाइम जो मैंने डाली हुई थी फ़ोन की वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू, वो 2050 मेरे को दिखा रही थी। तो मेरे को इसके बिल में, उस इनवॉइस में मेरे को एक्सचेंज वैल्यू 2050 ही शो हो रही थी। तो मैंने तुरंत फ्लिपकार्ट का अपना ऐप ओपन किया और उसमें मैंने नीड हेल्प पे जाके, माय ऑर्डर पे जाके, नीड हेल्प पे जाके मैंने उनको अपना प्रॉब्लम शो किया कि देखिए कि मैंने आपके डिलीवरी बॉय को 500 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं और क्या कहते हैं कि वो आप या तो मेरे को इनवॉइस अपडेट करके दें या फिर उसका मेरे को कहीं तो रिकॉर्ड दिखाएं कि वो 500 रुपये आपको मिले हैं, क्योंकि ना ही मेरे पास उस चीज़ का कोई मैसेज है, ना ही आपका डिलीवरी बॉय कोई स्लिप दे के गया है, 500 रुपये जो कैश लेके गया है। फिर दोस्तों मैंने उस पर मैसेज डाला उनके नीड हेल्प पे, मैंने कॉल बैक की रिक्वेस्ट ली, फिर उनका मुझे कॉल आया, तो एक कॉल आया, फिर उनसे मैंने बात की तो बोले सर ठीक है, हम बात करते हैं अपने मर्चेंट से बात करते हैं। तो फिर वो बोले ठीक है सर, हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको कॉल बैक करते हैं। लेकिन फिर करीबन 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद मैंने फिर दोबारा उनको नीड हेल्प पे गया, मैं फिर दोबारा मैंने उनको मैसेज डाला, फिर मैंने कॉल बैक रिक्वेस्ट डाली, फिर उनका मेरे पास कॉल आया, लेकिन वही रहा सर हम इशू चेक करके आपको बता रहे हैं। लेकिन होते होते ना ही उनका कोई फ़ोन आया ना और कुछ आया, तो मैंने भी थोड़ा इतना ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों फिर से फ्लिपकार्ट पे दिवाली फेस्टिवल की सेल आई, तो 8 नवंबर को मैंने रियलमी 6 अपना ऑर्डर किया और इसके साथ फिर से मैंने एक ओल्ड फ़ोन या अपना पुराना फ़ोन एक्सचेंज में डाला, जिसकी वैल्यू मेरे को 1650 रुपये दिखाई गई,
पे। फिर मेरे को ध्यान आया कि पिछली बार जो 500 रुपये मुझसे लेके गए थे, ना तो उनका कोई मुझे कॉल बैक आया दोबारा फ्लिपकार्ट का, ना ही कोई मुझे मैसेज आया, ना ही मुझे कोई इनवॉइस अपडेट मिला। तो मैंने फ़ोन तो ये Realme 6 अपना ऑर्डर कर दिया, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपना फिर से मैंने फ्लिपकार्ट की ऐप खोली और क्या कहते हैं, मेरे को ध्यान आया, मैं फिर से नीड हेल्प में गया। मैंने अपना फिर से दोबारा उनको बताया कि फिर से मैंने उनको बताया कि आपका डिलीवरी बॉय मुझसे 500 रुपये एक्स्ट्रा लेके गया है, जिसका आपने इनवॉइस को अपडेट नहीं किया है या इनवॉइस में शो नहीं किया है। मैंने फिर से कॉल रिक्वेस्ट डाली, तो दोस्तों फिर से मुझे फ्लिपकार्ट का एक कॉल आया, कॉल बैक मैंने डाली तो कॉल आया मुझे, तो मैडम ने मुझसे मुश्किल से ही 5 मिनट से मेरे से डाटा लिया कि कब आया कैसे आया। उसने 500 रुपये लिए हैं तो ठीक है सर हम बात कर रहे हैं, और मेरे को होल्ड पे रख दिया। और सच्ची दोस्तों मेरे को मैडम का उनका नाम ध्यान नहीं है, वरना मैं वीडियो में भी लेने को तैयार था। उन्होंने मेरे को 1 घंटा 24 मिनट होल्ड पे रखने के बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब 1 घंटा 24 मिनट। मैंने भी सोच रखा था कि आज तो इनसे बात मैं करके ही रहूँगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने 1 घंटा 24 मिनट तक मेरे को होल्ड पे रखा, दोस्तों मैंने कॉल रिक्वेस्ट डाली तो मुझे फिर से फ्लिपकार्ट का कॉल आया। तो जो उन्होंने बोला कि फिर मैंने उन्हें बताया कि पहले तो मुझे ये बताओ कि लास्ट कॉल पे कौन मैडम थी जिन्होंने मेरे को 1 घंटा 24 मिनट तक होल्ड पे रखने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। तो उन्होंने बोला सर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, मगर नेटवर्क प्रॉब्लम तो 1 या 2, 5, 10 मिनट होगी, 1 घंटा 24 मिनट के बाद कौन सी नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। तो बोला कि फिर मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि सर आपका एक बंदा डिलीवरी बॉय जो आया था वो 500 रुपये कैश लेके गया है, जिसकी मैं कंप्लेंट तीसरी बार कर रहा हूँ। तो वो बोले सर कि ऐसा हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। मैंने कहा ये तो फ्रॉड भी हो सकता है कि आपका डिलीवरी बॉय आए और वो क्या कहते हैं कि वो तो फिर तो ऐसे ही करेगा कि 500 रुपये हर किसी कस्टमर से लेके जाता रहेगा, और मैं कंप्लेंट फिर मैं कहाँ जाऊँ। तो उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होता हमारे पास, हम इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखते या उस चीज़ की कोई वो नहीं है कि जवाबदारी नहीं है हमारी। तो मैंने कहा मैं तो आपके लास्ट में उनसे भी खूब 15 मिनट तक बहस करने के बाद मैंने कहा मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, अपने सीनियर से बात कराओ और मुझे आपके डिलीवरी बॉय की कंप्लेंट डालनी है, मुझे 500 रुपये का या तो मेरे को इनवॉइस आप मेरे को अपडेट करके दें या मेरे को मैसेज करें या कुछ भी करें। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं सर हमारे पास इस चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो उसके बाद भी मैंने कहा नहीं मेरे को आपके सीनियर से बात करनी, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। तब उन्होंने भी मुझे करीबन 10 मिनट तक होल्ड पर रखने के बाद अपने सीनियर से बात की होगी या किसी से बात की होगी, उसके बाद उन्होंने मेरी कंप्लेंट रजिस्टर की कि ठीक है सर हम आपको मतलब जांच करके या फिर जो भी है अपने मर्चेंट से बात करके हम आपको बताएंगे। तो उस टाइम मैंने उस बंदे का नाम और जिस नंबर से मुझे कॉल आया था वो, और मैंने अपना कंप्लेंट जो मैं कंप्लेंट करी थी वो कंप्लेंट नंबर मैंने तुरंत ही नोट किया। मैंने कहा कोई मैसेज का इंतज़ार नहीं करूंगा मैं बाद में, क्योंकि कॉल कट होने के बाद ना आपका कुछ पता चलेगा और ना मेरा कुछ होगा और ना आपका कोई मैसेज आएगा। मैंने कोई विश्वास ना करते हुए उस पर मैंने उसका नाम और क्या कहते हैं उसका मैंने अपना कंप्लेंट नंबर जो है मैंने रजिस्टर कर लिया। तो फिर दोस्तों उसके बाद मुझे एक कॉल आया कि सर आपकी कंप्लेंट आपने डाली है। मैं कहा हाँ जी बिल्कुल मैंने कंप्लेंट डाली है। तो फिर से मैंने उनको वही इशू बताया तो उन्होंने बोला ठीक है सर। फिर मेरे को एक मैसेज आया कि मेरे को 3 मतलब करीबन मेरे 2 या 3 दिन का उसमें टाइम लिया हुआ था कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद मुझे एक फीडबैक का मैसेज मेल आया, एक फीडबैक का मेल आया। तो मेल पर मैंने बिल्कुल उनको 1-1 रेटिंग देते हुए जिस कॉल से मेरे को उन मैडम का फ़ोन आया था, मैंने नाम मेरे को याद नहीं, उस नंबर को मैंने मेंशन करते हुए 1 घंटा 24 मिनट मैंने कहा कि होल्ड पे रखने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट हुई है, और जो इस फिर मैंने जो दूसरे नंबर से जिन आदमी ने मेरी कंप्लेन रजिस्टर की थी उनको
उनका नंबर मैंने मेंशन करते हुए कहा कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता इस चीज़ का, ये आप फ्लिपकार्ट के अंदर ऐसे तो हर एक्सचेंज पे वो आप मतलब कस्टमर से पैसा लेता रहेगा और आगे शो नहीं करेगा तो वो अपनी जेब में रख लेगा। मैंने कहा ये फ्लिपकार्ट ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसा किया है तो शायद मेरा फ़ोन वो उन्होंने लिया ही नहीं था। तो मेरे को वो मैसेज आया था कि उस फ़ोन की पूरी वैल्यू जो मैंने कैश पे की थी, तो वो उस टाइम मेरे को मैसेज आ गया था। लेकिन इस टाइम क्या था कि जो डेंट था या जो थोड़ा पेंट उतरा हुआ था, तो पेंट उतरा हुआ था उसका, उसने मुझसे सिर्फ एक्स्ट्रा पैसा लिया। तो इस बार मुझे कोई मैसेज आया नहीं। तो फिर वही मुझे उसके बाद फिर मेल पे मेल आते रहे फ्लिपकार्ट की तरफ से कि आपका अपना फीडबैक दें, अपना फीडबैक दें। मैं बिल्कुल एक एक ही उसमें रेटिंग देता रहा और वही प्रॉब्लम अपनी मेंशन करता रहा। फिर मुझे मेल आया 1-2 घंटे बाद कि आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, आप अपना नाम दीजिए, IFS कोड बताइए उसमें। तो फिर दोस्तों मेरा दिमाग फिर वो हुआ कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं, कि हम न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में हमेशा देखते रहते हैं कि कस्टमर केयर से कोई ऐप डाउनलोड करवा लेते हैं या मेल या कुछ इस तरह से आपको लिंक आता है, आप उस पर अपना अकाउंट नंबर वो सब डाल देते हैं, फिर उसके बाद आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना एक अकाउंट नंबर दिया जिसमें 100 रुपए ही थे। मैंने सोचा जहाँ 500 रुपए गए हैं वहाँ 100 रुपए और सही। फिर उसके बाद वही मैंने अपना मेल, अपना अकाउंट नंबर उस पर रिप्लाई किया। तो उसके बाद दोस्तों मेरे को 2 या 3 दिन के अंदर मेरे को 500 रुपये उसमें मिल गए। लेकिन दोस्तों फिर सेम प्रॉब्लम वही Realme 6 के साथ हुई। 10 नवंबर को मेरे को डिलीवरी देने आया लड़का, फिर से उसने कहा कि सर आप के इसमें फ़ोन में पीछे से पेंट उतरा हुआ है हल्का सा, ये डेंट में काउंट होगा, आप मेरे को अपनी ऐप ओपन करें उसमें चेक करके बताएं। तो मैंने कहा भाई मैंने लास्ट टाइम भी उसमें क्या कहते हैं आप लेके गए थे पैसे, सेम बंदा था, सेम वही बंदा सेम था। मैंने कहा मैंने लास्ट टाइम भी आपकी कंप्लेंट करी थी, इनवॉइस में ये अपडेट नहीं होता है, अब मेरे को क्या पता चलेगा आप पैसा ले जाके आगे जमा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर ऐसा नहीं है, क्या कहते हैं इस टाइम क्या है रश ज़्यादा होता है तो क्या कहते हैं कि मैसेज नहीं आ पाता है, बल्क में मैसेज चलता है, मैसेज नहीं आ पाता। तो मैंने कहा कि आप अपने वहाँ जब जहाँ से फ़ोन मतलब अपने ई कार्ट के वहाँ पे 500 रुपये जमा करते होंगे शाम को कैश की, मैं इस फ़ोन के इतने लाया हूँ तो अपडेट तो कहीं करते होंगे, कोई मैसेज फ्लिपकार्ट के पास तो होगा। तो नहीं सर अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपकी फ़ोन की वैल्यू के हिसाब से क्या कहते हैं कि 100-200 कम लगे तो मैं आपको 200 रुपये बाद में वापस कर जाऊंगा। मैंने कहा अगर मेरे पास अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैं फिर से आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। बोला नहीं नहीं सर जो आपकी वैल्यू लगेगी फ़ोन की अगर 100-200 रुपये कम होंगे तो मैं आपको 200 रुपये दे जाऊंगा। तो दोस्तों फिर से वही फ्लिपकार्ट से मुझे मेल आया जिसमें Realme 6 का इनवॉइस मुझको मेल आया फ्लिपकार्ट से, जिसमें मेरे को वही वैल्यू शो हो रही थी जो मैंने ऑर्डर के टाइम मेरे को शो हो रही थी, यानी जो 400 रुपये मुझसे वो फिर से लेके गया उनका डिलीवरी बॉय, वो मुझको उस इनवॉइस में अपडेट नहीं मिला और ना ही कोई फिर से मैसेज आया। तो दोस्तों फिर से मैंने उसमें अपना फ्लिपकार्ट ऐप ओपन किया, फिर से माय ऑर्डर में गया, ऑर्डर पे क्लिक करके मैंने नीड हेल्प में गया, मैंने वहाँ फिर अपना मैंने उसमें कंप्लेंट डाली कि क्या कहते हैं कि आपका डिलीवरी बॉय 400 रुपये मुझसे लेके गया है कैश, या तो इनवॉइस आप मेरे को अपडेट करके दें या फिर कोई रिकॉर्ड ट्रैक, मैंने कॉल बैक उसमें रिक्वेस्ट डाली। तो उसके बाद सेकंड टाइम जब ये मेरे साथ ऐसा हुआ तो उनका एक ही कॉल में कॉल जो कॉल आया, मैंने पहले ही मैं उन कोई लेडी थी तो उन मैम का मैंने नाम पहले से ही नोट कर लिया और मैंने फिर से वही कहा कि मैम लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ और इस टाइम भी मेरे साथ सेम वही प्रॉब्लम है, आपका डिलीवरी बॉय मेरे से 400 रुपये लेके जाता है, सिर्फ पीछे से हल्का सा उस पर मतलब वाइट वाइट पेंट
कवर के उससे या वो निकल के, तो वो मुझसे 400 रुपये एक्स्ट्रा लेके जाता है डेंट के नाम से, और ना ही मेरे को उसका कोई मैसेज आता है, ना ही कोई इनवॉइस अपडेट होता है। तो मेरे को एक कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। तो उन्होंने, मैम ने सेम मेरे को कंप्लेंट रजिस्टर की, मैंने अपना कंप्लेंट नंबर 7 के 7 लिया। और तो इस बार फ्लिपकार्ट वालों का मुझे कंप्लेंट के बाद एक फ़ोन आता है जिसमें वो बोलते हैं या तो आप अपना 400 रुपये अकाउंट में ले लीजिए, या हम आपके फ्लिपकार्ट अकाउंट में या फ्लिपकार्ट वॉलेट जो होता है उसमें आपको 400 रुपये ऐड कर देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, आप मेरे को अकाउंट में ही मेरा पैसा वापस कीजिए। तो फिर से वह मुझे मेल आया, और क्या कहते हैं, फिर से उन्होंने मेरा नाम, अकाउंट नंबर और IFS कोड उस मेल के थ्रू लिया मुझसे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट डे ही मुझे वो मेरा जो मुझसे डिलीवरी बॉय लेके गया था 400 रुपये, तो वापस मिल गया। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपके ओल्ड फोन, आपके पुराने फोन की एक्सचेंज वैल्यू, उसमें ऑर्डर के टाइम पे कुछ और दिखाई जा रही है, और डिलीवरी टाइम पे आपसे डिलीवरी बॉय आपसे कुछ कैश पैसा लेके जा रहा है, और उसका ना ही कोई फ्लिपकार्ट मैसेज कर रहा है और ना ही कोई इनवॉइस में उसको मेंशन कर रहा है, तो आप ज़रूर अपना कंप्लेंट डालिए उसकी अगेंस्ट डिलीवरी बॉय। आप अपने पैसा, अपना क्लेम जरूर फ्लिपकार्ट से लें। तो आपको दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।